इन्वेस्टर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आप सभी के साथ इक्षा। बात करते हैं कपास उत्पादन के बारे में। जी हाँ, इस बार कपास उत्पादन कम, फिर भी नए धागे की बिक्री हुई कमजोर। एक और जहां देश के उत्पादन क्षेत्रों में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र, तेलंगाना आदि उत्पादक क्षेत्रों की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2021-22 के खरीफ सीजन में कपास का उत्पादन कम आने की खबरें चारों तरफ फैल रही थी, जिससे ऐसी खबरें हैं कि 4.5 लाख गांठ के मध्य उत्पादन में कमी का अंदेशा लगा हुआ है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया CIA से मिली रिपोर्ट के मुताबिक चालू फसल सीजन में कुल 339.75 लाख गांठ यानी कि प्रति गांठ 170 किलो कॉटन का उत्पादन होने का अंदेशा लगाया जा रहा है, जबकि इससे पहले उक्त एसओ द्वारा नवंबर माह के मध्य में यानी कि नवंबर माह के बीच में 344 लाख गांठ के उत्पादन का अनुमान जताया जा रहा था। वहीं इसके अलावा इस सीजन में कॉटन निर्यात में कमी बताई गई है और आयातित कॉटन भी कम की खबरें आ रही हैं, जिसमें छोटे बड़े आयातक देशों की कताई मिलें व कपास व वहां के लिए सिले सिलाई वस्त्रों की आयात मांग भी कमजोर ही सुनी जा रही है। इसकी वजह यह है कि ग्लोबल स्तर पर आर्थिक रूप से क्रय शक्ति घटी है। इधर लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक चीन में पुनः कोविड की लहर आरंभ होने से एक बार फिर देश विदेश में महामारी का डर बनने की धारणा है। क्या इसे मंदी की आहट समझी जा सकती है? फिलहाल इन सबको छोड़ आगे यहाँ घरेलू व्यापार की बात कर लेते हैं कि यहाँ कपास का उत्पादन कम होने के अलावा रुई वाली मंडियों में ओटाई करके बिनौला सीट में बाजार आ रहा है और किसानों ने अगली बिजाई हेतु भी सीट की खरीद पड़ते में है तो खरीद व्यवस्था करता है और अन्यथा अपने पास रखने के लिए ओटाई खर्चा में पड़ता लगता रहता है और करवाता है। दूसरी स्थिति को समझते हुए चालू सीजन के अक्टूबर माह से कपास की आवकें मंडियों में कम आने की खबरें आ रही हैं, जिससे पिछले दिनों तो कपास से बनी रुई की कताई मीलों में मांग होने के चलते धागे की कीमतें तेज हो गई थी। इसी के साथ ही टेक्सटाइल मीलों की धागे में मांग पिछले दिनों बढ़ने से धागे की मंडियां तेज हो गई थी, लेकिन वर्तमान में हरियाणा की मंडियों से यह खबर आ रही है कि मीलों में विस्तृत या स्टॉक के रखे धागे की रिसाइकिलिंग को अधिक जोर दिया जा रहा है। वजह समझी जा रही है कि टेक्सटाइल मिलों की मांग कुछ सुस्त बनी हुई है। इसके साथ ही पंजाब की लुधियाना और अन्य क्षेत्रों सहित हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और साउथ की मिलों में भी वस्त्र निर्मित हेतु कपास उत्पादन की मांग कमजोर सुनी ही जा रही है, जिसे ये माना जा रहा है कि कपड़ा मिलों में बने वस्त्रों की घरेलू बाजारों सहित विदेशों में मांग कुछ कमजोर है। बांग्लादेश जैसे अन्य आयातक देशों की वस्त्र आयात मांग वहां खरीद क्षमता कम होने के चलते कमजोर बताई जा रही है। खास बात यह है कि उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन की सरकारी योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल उद्योगों में पूंजी निवेश बढ़ाने की सुविधा तय समय में पूरी किए जाने और राजस्व बढ़ाना भी एक प्रोत्साहनकारी योजना के अंतर्गत बताया जाता है। इसमें टेक्सटाइल कंपनियों की संख्या बढ़ने और स्वदेशी उत्पादन बढ़ने के चलते विदेशी स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनना है। बाद में नए साल से उद्योग की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की धारणा बनाई जा रही है।